श्रीकृष्णा 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। भौतिकशास्त्र, उपासना शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र, इन तीन शास्त्रों में तीन प्रकार के विद्यार्थी जाते हैं और इन तीन शास्त्रों के तीन प्रकार के आचार्य होते हैं। भौतिक शास्त्र में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर दिया जाता है और आधिदैविक क्षेत्र में माने उपासना के क्षेत्र में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो कुछ करने को बताया जाता है और अध्यात्म में जब प्रवेश करते हैं ना तो कुछ बताएंगे ना तो कुछ करने को लगाएंगे। तीन बातें। इसीलिए जो आदि भौतिक जगत से प्रभावित है वो हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहते, उनको कहो चुप रहो तो बैठे बैठे टांग हिलाएंगे। कई बार होता है फ्लाइट में बैठो, एक आध बार होता अभी आए तब भी था एक आदमी बैठा ऐसे ऐसे, मेरा जल्दी पहुंचना है क्या, शांत बैठना बड़ा कठिन है क्योंकि कुछ करने की आदत है। और जो आधी दैवी क्षेत्र वाले उपासना वाले हैं वो हमेशा भगवान को परेशान करते हैं, ओम शौन 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 शौन, और यदि उनका नियम में कुछ खोटा आ गई इधर उधर में तो दुखी हो गए। और अध्यात्म की बात ऐसी है, जब अध्यात्म में प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता, संबोधन प्रश्न का नहीं होता, संबोधन प्रश्न करने वाले व्यक्ति को होता है। द क्वेश्चन इज नॉट एंसर्ड, द पर्सन इज एड्रेस्ड। ये मूल भेद है अध्यात्म में और उपासना और कर्म में। इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो शांति पाठ था, स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध श्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाहा, स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमिहि, स्वस्ति नो बृहस्पति ही दधातु। स्वस्ति माने हमारा कल्याण हो। तो किससे कौन सा कल्याण चाहिए? पहले स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध श्रवाहा। इंद्र जो है हमारे हाथ की देवता है, तो हमारा कल्याण हम ही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। ये कल्पना ना करे कोई भगवान आगे आपका झाड़ू लगाएगा, आपको स्वयं को करना पड़ेगा। पहली बात। दूसरा कल्याण, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। पूषण माने सूर्य भगवान, जो विश्व को जगत को जानने वाला है। तो हे सूर्य भगवान हमारी हमारा कल्याण करो। सूर्य कहेंगे मैंने तो सवेरा कर दिया, तुम उठो। अच्छा मुझे उठना पड़ेगा? हाँ जी। तो सुबह उठ करके अपने दिन को उत्साह से प्रारंभ करना, यही अपने कल्याण की बात है। हमारा कल्याण कोई नहीं कर सकता, सत्यानाश कर सकता है, कल्याण नहीं कर सकता। स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्ट नेमिहि। अरिष्ट माने जो समस्या आए हमारे जीवन में दुखदायक, उससे हमको बचाओ। तो कौन बचाएगा? तार्क्ष। तार्क्ष का तात्पर्य है वायु, या तार्क्ष का तात्पर्य है गरुड़। भगवान गरुड़ पर बैठ करके आते हैं और उस मगरमच्छ से उस हाथी को छुड़ाते हैं। देखो भगवान जब कहीं जाते हैं तो उनका वाहन गरुड़ होता है, नारायण भगवान का वाहन गरुड़ है। और जब उनके साथ उनकी पत्नी जाती है लक्ष्मी, तो उसको भी लिफ्ट दे देते हैं भगवान। लेकिन जब लक्ष्मी जी अकेली जाती है भगवान नारायण को छोड़ के, तो उसका वाहन उल्लू होता है।
इसीलिए जिनके पास धन दौलत है और नारायण का सहारा नहीं है वो उल्लू बन जाते हैं। उल्लू कौन होते हैं? जो रात को जगते हैं। आप देखेंगे ये प्रॉस्परस नॉन स्पिरिचुअल लोग जो है रात को 12, 1, 2, 3 बजे तक इनके पार्टियां चलती है और पूरा रात उसी में चले जाता है। तो तार्क्ष माने शास्त्र के शब्द। तो हमारा जो अरिष्ट है उस अरिष्ट को नष्ट करने के लिए एक ही उपाय है और वो है हमारे जीवन में शास्त्रों का अध्ययन एक नित्य निरंतर नियम से होना चाहिए। पाठ करना बात अलग होती है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी करो या टाइम पास हो जाता है, लेकिन अज्ञान को नष्ट करने के लिए हमको शास्त्रों का अध्ययन करना जरूरी है। तो स्वस्ति नस्तार्क्ष वरिष्ठ देवी स्वस्ति नो बृहस्पति ही दधातु। बृहस्पति देवताओं के गुरु है, तो हम भी अपने आप को देवताओं के साथ रखें और साधु संतों का संग करके नित्य निरंतर सत्संग में जावे तो हमारे सभी के सभी अज्ञान और उसके कार्य नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से ओम शांति 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 ही। तीन प्रकार की शांति, आदि भौतिक शांति, अब हमको जगत से कुछ लेना देना नहीं है। आदि दैविक शांति, अब हमको उस जगत से कुछ लेना देना नहीं है। ये जगह छोड़ दिया, वो जगह छोड़ दिया, क्या बचा? आप बचे, तो आप अपने में शांत हो जाओ। इस प्रकार से आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक शांति, यहां तक हमने उसका शांति पाठ समझा। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं संबंध भाष्य में, मंत्रोक्तस्य अर्थस्य विस्तार अनुवादितम ब्राह्मण आरभ्यते ऋषि प्रश्न प्रतिवचनाख्याय का तु विद्यास्तुते एवं संवत्सर ब्रह्मचर्य संवासादि युक्त ही तपो युक्त ही ग्राह्या पिप्पलादिवत सर्वज्ञ कल्प ही आचार्य ही वक्तव्याच न सा केन केन कदाचित इद्याम स्तौति ब्रह्मचर्यादि साधन सूचना च तत्कर्तव्यता स्यात्। क्या पढ़ा आपने? देखो अपने ही देश में अपनी ही जो भाषा है उनको मालूम नहीं, और कोई एकाध अंग्रेज जब बोल देता है संस्कृत श्लोक तो अच्छा इन्होंने सीख लिया, बड़ा आश्चर्य, बड़ा उसका कुतूहल होता है, बहुत बढ़िया बात है, हम नहीं सीखेंगे। भगवान शंकराचार्य कहते हैं पहले मुंडकोपनिषद में यह विचार दिया था, उसके पश्चात अब उसी उपनिषद का ये उसी वेद का अथर्वण वेद का यही उपनिषद है, इसमें ब्राह्मण भाग में जो पराविद्या की बात कुंडक उपनिषद में करी थी उस पराविद्या को प्राप्त करने के लिए एक कहानी बताई, आख्यायिका। आख्यायिका माने ऐसा कहा जाता है, एक आख्यायिका बताई कि 6 लोग थे, बड़े संत प्रकृति के थे, आत्मचिंतन में लगे थे, तो उन्होंने सोचा कि यार ये हम कई दिनों से कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन थवा दानम बहुत कर लिया है, अग्रे वन्य पृष्ठे भानव रात्र चुबुक समर्पित जानु तपस्या भी बहुत कर ली है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आया, योगा भी बहुत कर लिया है, कहीं की टांग कहीं भी रख सकते हैं, योगा माने टांगे वाली है, कर सकते हैं, उससे करोगे कब तक, क्या करोगे? तो उन्होंने चिंतन किया कि कहीं आचार्य के पास जाकर के पूछना चाहिए। इस प्रकार से वो पहुंच गए पिप्पलाद ऋषि के पास, और पिप्पलाद ऋषि भी बड़े श्रेष्ठ थे, और उनके पास जाकर के उन्होंने इस ब्रह्म विद्या को जानने के लिए पूछा। इस प्रकार से यह उपनिषद प्रारंभ होता है।
तो पहला मंत्र है ओम सुकेशा च भारद्वाजः शैभ्यश्च सत्यकामः सौर्यायणी च गार्ग्या कौसल्यश्च अश्वलायनः भार्गवो वैदर्भी कवंधी कात्यायनः ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा परम ब्रह्म अन्वेषमाणा एषः वै तत्सर्वं वक्षति इति ते समित्पाणयः भगवन्तं पिप्पलादम् उपसन्नाः। छे विद्यार्थी थे, बड़े ब्रह्म विद्या अन्वेषमाणा, उनको ब्रह्म विद्या जानने के लिए बहुत ही इच्छा थी, और इसीलिए एक है भारद्वाज नंदन सुकेशा था, उसके बाल अच्छे होंगे, शिबी कुमार सत्यकाम था, तीसरा था गर्ग गोत्र में उत्पन्न सौर्या यानी सूर्य का पोता, चौथा था अश्वल कुमार का अश्वल कुमार कौशल्य, पांचवा था विदर्भ देश में रहने वाला भार्गव, और छठवा था कत्य के पौत्र कबंधी। इन्होंने सब ने अनेक प्रकार की उपासना इत्यादि कर ली और सब के सब ब्रह्म जिज्ञासा लेकर के पिप्पलाद मुनि के पास पहुंच गए। ते सर्वम वक्षति इति, उनके मन में ये धारणा थी कि पिप्पलाद मुनि सब जानते हैं, माने वो पहुंचे संशय से नहीं, श्रद्धा से पहुंचे। देखो प्रश्न पूछने के अनेक प्रकार होते हैं। एक प्रश्न होता है, पूछा जाता है परीक्षा लेने के लिए। एक परीक्षा में पूछा गया था भारत की राजधानी का नाम क्या है, और विद्यार्थी ने लिखा कमान सर आपको इतना भी पता नहीं, तो वहां तो परीक्षा थी। दूसरा होता है प्रश्न का कि देखते हैं अगला कितने गहरे पानी में है। जैसे हमको भिन्न भिन्न प्रकार के लोग प्रश्न पूछते हैं ना, तो अभी मैं जब आ रहा था कहाँ दिल्ली में सिक्योरिटी से जा रहा था, तो मैंने कहा कपड़े खोल दूँ क्या, बोले तो नहीं महाराज हम तो चेहरा देख के पहचान लेते कौन क्या है। इसी प्रकार से प्रश्न पूछने वाले से पता चलता है कि प्रश्न का भाव क्या है, सस्ता है कि महंगा है, क्या ये प्रश्न जिज्ञासा का है या परीक्षा का है। तो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है अगले को नापने के लिए, देखते ये बाबा जी कितने गहरे पानी में है। एक बार एक सज्जन ने मुझे कहीं इंग्लैंड में या कहीं यही प्रश्न पूछा था। स्वामी जी भगवद गीता में इतने सारे श्लोक है, कितने कहते हैं पता नहीं, तो उसमें धृतराष्ट्र भी है और संजय भी है और कृष्ण भी है अर्जुन भी है, किसने कितने श्लोक कहे थे। हमने कहा मुझे यही मालूम नहीं भगवद गीता में कितने श्लोक है, आपको पता नहीं। कल्लास, आगे पूछने की जरूरत ही नहीं। देखो और तीसरा प्रश्न होता है जिज्ञासा से युक्त, जिज्ञासा से प्रश्न करने वाला अगले को नापने के लिए नहीं जाता बल्कि तत्व को जानने के लिए जाता है। इसीलिए कहते हैं एष हवै तत्सर्वं वक्षति इति, ये पिप्पलाद मुनि जी महाराज सब कुछ जानते हैं और इसीलिए हमको बताएंगे भी। ऐसा मन में दृढ़ निश्चय करके समित पाणयः भगवंतम पिप्पलादम उपसन्नाहा। देखो इसी वेद का जो मुंडकोपनिषद है वहां यही शब्द का प्रयोग है, वहां कहते हैं परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात् नास्ति अकृतः कृतेन तद् विज्ञानार्थं गुरुमेवाविगच्छेत् समित पाणयः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। वहां भी समित पाणी शब्द है, यहां भी समित पाणयः। और उपसन्नहा, उपसन्न माने उपसन्न, इसी धातु से ही उपनिषद शब्द बना है। उपनिषद शब्द का अर्थ है उप जमा नी जमा शद धातु के तीन अर्थ निकलते हैं, हिंसा गति अवसादन, शद धातु के तीन अर्थ है। तो गति माने हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, जो हमारे जीवन के लक्ष्य के पास हमको पहुंचा देता है उसको उपनिषद कहते हैं। हिंसा माने नाश करना, जो इस अज्ञान का नाश करने की सामर्थ्य रखता है उसको उपनिषद कहते हैं। अवसादन माने ढीला करना,
तो जो ज्ञान ये संसार का बंधन ढीला करता है उसको उपनिषद कहते हैं। और यह उपनिषद उप माने नजदीक, नी माने नीचे, नजदीक जाकर के नम्रता से जब गुरु महाराज से पूछा जाता है और उनकी मौज हो तो वो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे, कुछ जबरदस्ती तो है नहीं। क्योंकि आध्यात्म के क्षेत्र में फीस लेकर के नहीं पढ़ाया जाता, वो ट्यूटर होते हैं। आध्यात्म के जो आचार्य होते वो ट्यूटर नहीं होते, इसीलिए फीस लेकर के कभी नहीं बताया जाता। तो समित पाण यहाँ हाथ में समित पाणी लेके गए। समित पाणी का तात्पर्य है सुखी समिधा लेके गए, ताकि बाबा जी लोग चिलिम पीते रहते हैं तो माचिस चाहिए, तो हाथ में लेके गए। देखो समित पाणे यहाँ का तात्पर्य है, सूखी लकड़ी का तात्पर्य अब वो वैराग्य से परिपूर्ण होके पहुंच गए। सूखी लकड़ी हो और उसको थोड़ी भी आग लग जाए तो एकदम आग पकड़ लेती है, और गीली हो तो धुआं निकलता है। ये धुआं क्या होता है? प्रश्न। एक बात कहो 25 प्रश्न निकल आते हैं बाय डिफॉल्ट। एक बार हम मायामी थे, मायामी में वहां किसी आश्रम में गए, हमारे साथ जो सज्जन है उनको पता है हम किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते, तो वहां गए बैठे। वो महात्मा वहां पिछले 40 साल से है, तो बोले हाँ क्या पूछना है पूछो। तो हमारे कमंडलों ने हमारे तरफ देखा, तो उसने कहा कि हमारे स्वामी जी तो हमको कुछ पूछने नहीं देते। बोले क्या पूछना है? कुछ नहीं पूछना। बोले नहीं, पूछना तो चाहिए, गीता में कहा है परिप्रश्ने ने सेवाया, वहां कहा है उपनिषद में कहा है, प्रश्न तो पूछना ही चाहिए, उसके सिवा कैसा ज्ञान होगा। तो मैंने उधर मुंह घुमा लिया। देखो महाराज, कोई आवश्यकता नहीं किसी प्रश्न को पूछने की। आपको प्रश्न के प्रतिपक्ष में उत्तर मिलेगा, समाधान नहीं मिलेगा। उत्तर समाधान नहीं होता, उत्तर बाहर रहता है। जैसे हम हमारे रजनी भाई की कार में बैठ के आए, बड़ा कंफर्टेबल लगा, लेकिन वो उनकी हमारी थोड़ी है। इसी प्रकार से महाराज जी ब्रह्म का ज्ञान दीजिए, ये है ब्रह्म का ज्ञान। अच्छा, लेकिन वो ज्ञान तो स्वामी जी का है, हम तो खाली ठन ठन पाल है। उत्तर अपने हृदय में प्रकट होता है शांति से। आप जितने शांत रहोगे उतने सभी समस्याओं का समाधान वहां उपलब्ध होता है। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम वर्षिष्ठांते वसद ऋषिगण ही आवृतम ब्रह्म निष्ठ आचार्येन्द्रम करकलित चिन्मुद्रमानंद रूपम स्वात्मा रामम मुदित वदनम दक्षिणा मूर्ति मीरे। देखो संतो, तो ये पहुंच गए समित पाण यहां, हाथ में वैराग्य को लेकर के पहुंच गए, और उसके बाद उन्होंने प्रश्न पूछे। अब क्या प्रश्न पूछे? तो अगला मंत्र है तान ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरम संवत्सत यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्वं हवो वक्षाम इति। तान स ऋषिरुवाच, तो जब ये सब पहुंच गए ब्रह्म के बारे में, ब्रह्मान्वेषमाणाः, तो उनको ऋषि महाराज ने, पिपलाद जी ने कहा भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सर संवत्सत। मुझे पता है आप बहुत तपस्या करके आए हो और नियम से रह के आए हो, फिर भी एक साल तक इस हमारे आश्रम में, एक साल तक तपस्या ब्रह्मचर्य श्रद्धा से युक्त तो होकर के रहो। देखो ये तीन बातें हैं। तपस्या होती है स्थूल शरीर को लेकर के, ब्रह्मचर्य होता है मन को लेकर के, और श्रद्धा होती है बुद्धि को लेकर के।
जब तक के शरीर मन और बुद्धि इन तीनों का संतुलन परफेक्ट नहीं होता तब तक के तत्व ज्ञान बताने के बाद भी प्रकट नहीं होता। देखो जो स्थूल शरीर से बहुत ही प्रभावित है उसके सामने साक्षात भगवान भी आ जाए तो वो कहेगा कि मुझे कुर्मासन कैसे होते बताओ, वो कुछ नहीं सोच सकता। ये हम आपको कल्पना नहीं बताते, हम कई योगियों के साथ टकरे हैं और कितने भी योगा के इंस्टीट्यूशन में चले जाओ थ्रू आउट द वर्ल्ड, उनको ना उपनिषद की बात में इंटरेस्ट है ना भगवद गीता की बात में, उनका एक ही इंटरेस्ट है कि हम प्राणायाम कर सकते हैं, हम भस्त्रिका कर सकते हैं और हम एक आसन में इतने घंटे बैठ सकते हैं, इसके आगे जाते ही नहीं क्योंकि शरीर ही उनके लिए सब कुछ है। आगे कहेंगे शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सभी अधर्म का साधन शरीर है, धर्म का नहीं है। देखो महाराज, इसीलिए उन्होंने पहले कहा पहले अपने शरीर को तपस्या से तगड़ा करो। तो शरीर की तपस्या क्या है, ध्यान से सुना, शरीर की तपस्या है सेवा करना। आपको मैं पूरा का पूरा एक श्लोक में बता देता हूं साधना का पक्ष। हमारे हनुमान जी महाराज ने वाल्मीकि रामायण में कहा है, देह बुद्ध्या तु दासोऽस्मि, जीव बुद्ध्या त्वदंशकः, आत्म बुद्ध्या त्वमेवाहम् इति मे निश्चिता मतिः। यह आध्यात्मिक साधना है। देह बुद्धि से रहेंगे तो तपस्या, तपस्या दासोहम, दासोहम नहीं, देखो मच्छरोहम नहीं, दासो। दास कौन होता है, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। दास वो होता है कि जिसको आलस करके काम नहीं चलता। महात्मा जी तो लेटे हुए खाना खा करके, अरे ब्रह्मचारी जरा आकर के पैर दबाना, बहुत दुख रहे हैं। करते तो कुछ है नहीं, पैर काहे को दुख रहे, मुझे सोने भी नहीं। देखो इसीलिए स्थूल शरीर में जो समस्या है वो है आलस की, वो है निद्रा की, इससे अपने आप को बचाना है। इसके लिए तपस्या ये है शरीर की, ब्रह्मचर्य ये तपस्या है मन की। हमारा मन किस में चरण कर रहा है, चरण करना माने घूमना, चरैवेति चरैवेति, कहाँ हमारा मन घूम रहा है, विषयों में, व्यक्तियों में, भूतकाल में, भविष्यकाल की चिंता में, या हमारा मन तत्व चिंतन में चल रहा है। ये ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य ना, ये मन की तपस्या हो गई, मन की साधना हो गई। और श्रद्धया, श्रद्धा है बुद्धि की साधना। बुद्धि में जो एकाग्रता से तत्व चिंतन के अनुशीलन में लगने की क्षमता है उसको श्रद्धा कहते हैं। कई बार थक जाते हैं, ठीक है भाई ब्रह्मा है, हमने नहीं कहा, क्यों परेशान कर रहे हो। एक सज्जन हमारे एक जगह में, लोनावला में थे हम, वहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन काफ़ी आती जाती रहती है, तो एक सिंधी अम्मा आई, अरे स्वामी जी आप यहाँ आ गए, हम तो आपको हमेशा सुनते हैं, वगैरह वगैरह हो गया। और फिर तीन लेक्चर उसने सुने, चौथे बार मुझे कहती स्वामी जी ये बंद करो, आप एक भी जोक नहीं बताए। तो मुझे लगा कि लोग सोचते हैं कि मैं जोकर हूं क्या। देखो ये ब्रह्म ब्रह्म कितने बार बताओगे, अब हम मान लेते हैं ना भाई, आए ब्रह्म है, अब कुछ और बताओ। अब ब्रह्म है ये जानने के बाद कुछ और बताओ, यदि भाव में मन में आता है तो ब्रह्म खाक समझ में आया। इसीलिए श्रद्धया, श्रद्धा बुद्धि को लेकर के होती है। बुद्धि तत्व चिंतन में यदि थक गई तो समझ लेना अभी कच्ची है, बुद्धि थकती नहीं, बुद्धि गायब हो जाती है। तान ऋषिर्वाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरम संवत्सत, एक साल तक यहां रहो। लेकिन मुझे तो जल्दी है ना, नो हरी,
देर इज नो क्रैश कोर्स इन मेडिटेशन. ये पाश्चात्य देशों में होता है, योगा फॉर अर्ली प्रेगनेंसी. पतंजलि मस्ट बी टर्निंग इन इज ग्रेव. अरे यार, मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये योगा फॉर अर्ली प्रेगनेंसी. देखो तो ये हड़बड़ी से नहीं होता काम, यहां जल्दीबाजी नहीं चलती. कई बार लोग यही पूछते, स्वामी जी कितना टाइम लगता है रियलाइज होने को, आपको कितना टाइम लगा? तब उनको बताते हैं कि एक पत्नी को स्त्री होने में कितना टाइम लगता है, और एक पत्नी को स्त्री होने में कितना टाइम लगता है, एक स्त्री को पत्नी होने में कितना टाइम लगता है. एक स्त्री को पत्नी होने में 25-30 साल लगते हैं, लेकिन एक पत्नी को स्त्री होने में एक क्षण भी नहीं लगता. देखो, क्योंकि वो स्त्री है ही, उसको बनना थोड़ी है. पत्नी बनी थी, स्त्री है. देखो, हम बेवकूफ बने हैं, समझदार है. ये समझदारी को ही रियलाइजेशन कहते. तो वह संवत्सर संवत्सत, उसके बाद यथा कामम प्रश्नान पृच्छत, तो फिर जैसे तुम्हारी मर्जी हो वैसे मुझे प्रश्न पूछो. फिर कहते यदि विज्ञास्यामः. देखो ये बहुत महत्व की बात है, अपने बोलने में से मैं को हटा दो जितना हो सके. मैं कहता हूं, मैं कहता हूं. अरे तुम हो कौन, किस पेड़ की पत्ती? मैं भी खड़ा था यहाँ देख रहा था, एक एक पत्ती टूटती है और घूम घूम के कहाँ गिरेगी, कहाँ गिरेगी, कहाँ इधर था वहां गिरेगी, गिरती है यहाँ. इसी प्रकार से ये जो संसार का वृक्ष है उसमें लगे हुए हम पत्ते हैं, कहीं झड़ जाएगी पता भी नहीं चलेगा. लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं. इसीलिए यहां कहते गुरु महाराज यदि विज्ञास्यामः, यदि हम जानते हैं तो. यह हम का मतलब गुरु शिष्य परंपरा की बात होती है. यदि हम जानते हैं तो, माने ये उन्होंने इसलिए नहीं बताया कि यू ट्राई करो, नहीं तो नहीं, ऐसे नहीं. उन्होंने विनम्रता दिखाई, मैं सब कुछ जानता हूं, पूछो क्या चाहिए. एक बच्चे ने मुझे पूछा था, स्वामी जी मम्मी ने कहा कि स्वामी जी को सब कुछ आता है, पूछो. तो मैं चुप था, बोले बताइए ब्यूटी पार्लर क्या होता है. तो उसकी माँ ने डांटा उसको, ये कोई प्रश्न पूछना, आप ही ने तो कहा स्वामी जी को सब कुछ आता है. हमने कहा आता है, मैं बताता हूं, जहां हजाम का काम स्त्री करती है उसको ब्यूटी पार्लर है. हजामी और क्या है दूसरा. देखो महाराज, यदि विज्ञास्यामः, हम यदि जानेंगे सर्वम हमो वक्षामः इति वक्षामः, फिर यहां अनेक वचन है, तब हम आपको बताने का प्रयत्न करेंगे. ऐसा कहने के पश्चात अब पहला प्रश्न पूछा जाता है, अथ कबंदी कात्यायनः उपेत्य पप्रच्छ भगवन् कुतो हवा इमा प्रजा प्रजायन्त इति. तो पहले कबंदी कात्यायन ने प्रश्न पूछा कि हे भगवान, देखो आचार्य के प्रति भगवत बुद्धि होने से आचार्य को नहीं, जो विद्यार्थी है, अंतेवासी है, जो शिष्य है, उसको लाभ होता है. आपने अपने जीवन में कभी देखा होगा, स्कूल में कॉलेज में जब आप पढ़े थे, विशेष करके स्कूल में, कॉलेज में नहीं, स्कूल में जो टीचर हमको अच्छी लगती है या लगता है उस विषय में हम मन लगाते हैं. जो टीचर अच्छी लगती नहीं या लगता नहीं, वो विषय ही हमको अच्छा नहीं लगता. इसीलिए यहां गुरु को भगवंत के संबोधन से संबोधित किया है. श्वेताश्वतर उपनिषद का अंतिम मंत्र है, वहां कहते हैं यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कृतित कथिताहर्ता प्रकाशन्ते महात्मना. यस्य देवे तथा गुरौ, जिसके लिए गुरु और देवता समान है, माने उनमें कोई भेद नहीं है, इस श्रद्धा से जो प्रश्न पूछता है उसके सामने
सभी के सभी मंत्र अपने अर्थ को प्रकट कर देते हैं। तो कबंदी ने जाके पूछा, भगवान कुतो हवा इमा प्रजा प्रजायंत इति, ये दुनिया कहां से निर्माण हो गई भगवान? प्रजा जा धातु से बने, निर्माण होना, ये इतने सॉलिड दुनिया कहां से निर्माण हुई ये हमको बताइए। अब देखेंगे आप इस प्रश्न का उत्तर, यदि आदि भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो होगा कि एम्ब्रियोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, आदि भौतिक दृष्टि से। आदि दैविक दृष्टि से इसका उत्तर क्या होगा? पिछले जन्म के कर्मों के कारण ये जन्म मिला, इस जन्म में अच्छे बुरे कर्म किए उसके कारण अगला जन्म मिला और यहाँ आकर के फिर गड़बड़ी करी, फिर स्वर्ग में गए, नरक में गए और फिर नीचे के योनि में गए, ऊपर के योनि में गए और भटकते रहे 84 लाख योनियों में। ये आदि दैविक उत्तर होगा। और आध्यात्मिक ग्रंथ है, डोंट फॉरगेट, हम लोग उपनिषद माने आध्यात्मिक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक अर्थ क्या होगा, ध्यान से सुनना, सभी विषयों का तात्पर्य हमारे शास्त्रों में हमको अपने आप को लखाने में है। प्रजा या दुनिया या सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ये सृष्टि निर्माण हुई ये स्वीकार करके नहीं है, सृष्टि के निर्मिति का प्रसंग लेकर के हमको अपने स्वरूप में पहुंचना है। जन्म मृत्यु का प्रसंग लेकर के हमको अपने स्वरूप में पहुंचना है, पाप पुण्य का प्रसंग लेकर के हमको अपने स्वरूप में पहुंचना है, धर्म अधर्म का प्रसंग लेकर के हमको अपने स्वरूप में पहुंचना है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में आप प्रश्न कुछ भी पूछो, देखो जैसे बिजनेस वाले आदमी को, बिजनेस कोई भी रहे, चाहे गोल्ड का रहे या जूते का रहे, बॉटम लाइन क्या है, कितना फायदा हुआ। एक जगह एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, आध्यात्मिक प्रोग्राम, और वहां बाहर में एक ऐसी एक कमान लगाई थी जैसे गेट लगाया वैसे, और लगाने वाला जिसने डोनेशन दिया था उसका नाम तो लगे गई, अहूजा शूज वेलकम यू। अब वहां जूते से अगुवाई हो या सुवर्ण से हो, पैसा उसने दिया है ना, बॉटम लाइन मनी। इसी प्रकार से अध्यात्म में बॉटम लाइन है आप अपने स्वरूप में निष्ठावान होते हो या नहीं। आइए महाराज बैठिए। तो इसको ध्यान में रख करके आगे चलते हैं, चतुर्थ प्रश्न है, तस्मै स होवाच प्रजा कामो वै प्रजापति ही, इधर बैठी जगह है, स तपो तप्यत स तपस्तत्वा स मिथुनम उत्पादयते रईम च प्राणम च इति एतो मे बहुधा प्रजा करिष्यते इति। अब शुरू कर देते हैं कथा। कहते हैं तस्मै स होवाच, वो जो कबंदी था उसको गुरु महाराज पिपलाज जी ने कहा, क्या कहा, प्रजा कामो वही प्रजापति ही। उपनिषद में आता है सो कामयत बहुस्याम प्रजा ये थी स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा। जब हमको बताया जाता है कि कामना ही हमारे बंधन का दुख का कारण है, हमारी समझदारी गड़बड़ खा जाती है कामना के कारण, जैसे तृतीय अध्याय में भगवान बताते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महा अशनः महापापमा विद्ये नमिह वैरिणम। जो काम अलायस क्रोध जो है ये हमारे हृदय में रहने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है, हटाओ काम को। उसके बाद कहते हैं यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायस्य हृदिश्रिताः अथमर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समष्टुते। जब हमारे हृदय से सभी कामनाएं हमेशा के लिए हट जाती है तो कामना रहित अनुभूति को ब्रह्म कहते हैं। तो हमको तो कहते कामना को हटाओ कामना को हटाओ, उसने क्या किया, सो कामयत, अरे माने हम जब कामना करते तो बंधन में है, वो करता है तो मस्ती है।
अब यहां समझ लेना ठीक से। एक नदी दौड़ती है समुद्र के तरफ, और नदी क्या है, पानी का बहाव, और ये बहाव कब तक रहेगा, जब तक कि नदी पहुंचती नहीं समुद्र तक। और समुद्र क्या है, समुद्र में भी पानी हिलते रहता है, एक जगह स्थिर थोड़ी है मेडिटेशन में। अब दोनों जगह पानी हिल रहा है, एक जगह में नदी में पानी को समुद्र में मिलने की अपेक्षा है, तब तक के परिपूर्णता नहीं आती, इसीलिए नदी का जो पानी का बहाव है, इट इज ए कंपल्शन फॉर द वाटर्स। और समुद्र में जो पानी है उसको कहीं पहुंचना नहीं है, फिर क्या है, मौज है। देखो तुकाराम महाराज कहते हैं, आनंदाचे डोही आनंद तरंगा, जब आदमी खुश होता है तब एक्सपांड होता है, जब आदमी हंसता है तो रुमाल रखे अनले शिवारे वेक्टर हंसता है, देख हा हा, कोई ऐसा कहेगा क्या कि मैं बहुत खुश हूं, एक्सपांड हा हा। इसी प्रकार से परमात्मा की इच्छा या कामना उसके परिपूर्णता का द्योतन है। तो दो प्रकार से कामना है, एक अंडर कंपल्शन, दूसरा अंडर फुलफिलमेंट, दोनों समय में आनंद है। इसलिए भगवान ने कामना करी, तस्मै सहो वाच प्रजा कामो वही प्रजापति ही, जो प्रजापति है उसने प्रजा काम किया, इच्छा करी बच्चे पैदा करने की, तो फिर क्या किया उसने, स तपो तप्यत, आप अपनी अपनी बात ले लो। तीन प्रकार के इष्टाएं शास्त्र में बताई है, लोकेशणा वित्तेषणा पुत्रेषणा। ईषणा माने इच्छा, हमको स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाना है बिल्कुल चले जाओ, लेकिन उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट, देर इज नो रिजर्वेशन कोटा। अच्छा क्या क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ये है कि आपका पुत्र आपको पिंडदान दे जिंदा है तब, माने पुत्र जिंदा है हो तब आपको स्वर्ग में एंट्री मिलेगी, लेकिन पुत्र तो है नहीं, क्या करे, अरे शादी करो बच्चे पैदा करो, अच्छी बात है। देखो तो पहले स्वर्ग में जाने की इच्छा, इसके लिए पुत्र चाहिए तो शादी की इच्छा, पुत्र इच्छा, फिर तीसरी, आप बिना पैसे के कौन लड़की देगा, तो फिर वहां दुनिया के पैसे इकट्ठा करो वित्तेषणा। इस प्रकार से ये कामनाओं का सिलसिला हम लोगों के लिए परेशान करता है, और उसी को कह दे तपस्या। अब देखो ध्यान से सुनना, पुरुष तपस्या करता है माने क्या, और स्त्री तपस्या करती है माने क्या, अपने स्वातंत्र को छोड़ करके जीवन भर परतंत्र में रहने की तपस्या पुरुष ही कर सकता है, और स्त्री की क्या तपस्या है, शादी के पहले हजारों लोग मुझको देख करके खुश होते थे और मेरे सौंदर्य की तारीफ करते थे, शादी के बाद एक ही आदमी परेशान कर रहा है दोनों की तपस्या है। संतो तपस्या का अर्थ है, देखो आप दो पैर पर खड़े हो तो तपस्या थोड़ी करेगा कोई, एक टांग पे खड़े रहो होगी तपस्या। हम पिछले साल गए थे कुंभ मेला में, वहां हमारे साथ दो चार कमंडलू थे, तो स्वामी जी बड़ी यहाँ तपस्वी देख रहे, हमने कहा देखो चलते रहो और अभी सामने देखो गर्दन को, दाहिने साइड में आंखों से देखो ऐसा करके, वो जो बाबा जी बैठा है ना उसके देखो दोनों हाथ नीचे है, बोले हाँ चलते रहो घूम घाम के आए ना, अब देखो अभी उसके पास जाएंगे नमस्कार करेंगे एक हाथ ऊपर उठ जाएगा, जैसे हम के चलो महात्मा जी के दर्शन करते हैं एकदम हाथ ऊपर चला गया। उसका चेला कहता है महाराज जी ने पिछले 40 साल से हाथ को नीचे नहीं किया, बड़े तपस्वी है, हो गए तपस्वी, माने नॉर्मली हाथ नीचे लटकते, ऊपर करो तो तपस्या, नॉर्मली दो पैर खड़े रहते एक पैर पर खड़े रहो तो तपस्या, नॉर्मली खाना खाते है नहीं खाओ दिन को रात को खा ले तपस्या। इसी प्रकार से
अपने स्वाभाविक स्थिति का त्याग करके अस्वाभाविक स्थिति में प्रवेश करने को तपस्या कहते हैं। हम सभी के सभी बाय बर्थ बैचलर हैं ना, कोई शादीशुदा पैदा हुआ क्या? नहीं। तो अपने स्वाभाविक स्वातंत्र का त्याग करके जीना, यही तो तपस्या है। देखो संतो, तपस्या में क्या करते हैं, परेशानी को इनवाइट करते हैं। अग्रे वन्नी पृष्ठे भानो रात्रो चुबुक समर्पित जानो, गर्मी के दिने गंगा जी में बैठेंगे, रेती में चारों तरफ से अग्नि तपाएंगे, बीच में बैठे हैं परेशान हो रहे हैं, लेकिन दिखते दिखाते नहीं क्योंकि लोग फोटो ले रहे हैं, परेशान हैं। और जाड़े के दिनों में दुनिया कांप रही है ठंड से, और ये नंग धड़ंग गंगा जी में स्नान करते हैं और हाथी के जैसा झटक करके निकल जाते हैं। धन्य है बाबा जी, बड़े तपस्वी है। अपनी नॉर्मल कंडीशन का त्याग करके एबनॉर्मल होना, उसको तपस्या कहते हैं। अब भगवान ने क्या तपस्या करी होगी? कहते हैं ना, प्रजा कामो स तपोदप्यत। उसने क्या तपस्या करी? परमात्मा है एकमेव अद्वितीय, नेह नाना अस्ति किंचन, नेह मामा अस्ति किंचन, नेह चाचा अस्ति किंचन। देखो, लेकिन वही एक परमात्मा जो एकमात्र है, वही अब अनेक बनना शुरू कर दिया। यही तो तपस्या है, अपने स्वाभाविक रूप का त्याग करके अस्वाभाविक को ग्रहण करना, यही तपस्या है। और तपस्या हमेशा कष्टदायक होती है। देखो, एक आदमी अपने पिताजी की उपाधि को ले लिया तो पुत्र बन गया, जिंदगी भर डांट खाता रहा। वही आदमी अपनी पत्नी की उपाधि को धारण कर लिया, पति बन गया, जिंदगी भर डांट खाता रहा। और वही आदमी अपने पुत्र की उपाधि को धारण किया और पुत्र से समस्त बोलना सुनता रहा, पापा आपको कुछ समझ भी नहीं आता, सबसे डांट खाना ये उसकी तपस्या है। देखो, आदमी तो एक ही है, आदमी कभी दुखी नहीं होता। ये जो तीन औपाधिक व्यक्तियां है, ये दुखी होती है। यही भगवान की तपस्या है, सहा तपो तप्यत। और स तपस तप्त्वा मिथुनम उत्पादयते। तो एक की तपस्या क्या हो गई? अब यह एक दो में प्रकट हो गया। द्वितीयात वही भयम भवती, बृहदारण्यक उपनिषद कहती है, जहां दो है वहां झगड़ा है, वहां भय है, वहां काम है, वहां क्रोध है। देखो संतो, तो एक ही परमात्मा दो बन गया। अब कैसे बन गया, अब उसको पूछो, पूछे नहीं मालूम। देखो, हम लोग पढ़ते हैं ना, जब समझो एमरियोलॉजी पढ़ो आप, उस एमरियोलॉजी में बताते हैं, देखो ये पर्टिकुलर जो सेल है ना, ये जब बढ़ती है तो इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़ जाती है। ये जो सेल है ये बढ़ती है तब इसकी स्केलेटल सिस्टम बन जाती है। ये है, इसकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन जाती है। वहां प्रश्न नहीं पूछते ये क्यों ऐसा होता है, होता है, दैट्स इट। क्यों नहीं होता, होता है। परमात्मा सत, परमात्मा की जो अनंत शक्ति है वह चित्त, इस चित्त का जो विलास है वो आनंद, यही सत्य है। तो परमात्मा ने अपने शक्ति का आह्वान किया। जैसे आह्वान किया तो पहले परमात्मा, पहले आदमी, उसने अपनी शक्ति का आह्वान किया। फिर क्या हो गया, परमात्मा से आदमी से पति पैदा हो गया, और पति होने के लिए पत्नी की आवश्यकता है, पत्नी आ गई। तो एक ही आदमी से पति पत्नी पैदा हो गए। तो इन्होंने मिथुनम उत्पादयते, तो यह पुरुष और प्रकृति का भेद यहां निर्माण हो गया। रहीम च प्राणम च इति एतो मे बहुधा प्रजा करिष्यते इति। फिर ये दो में क्या हो गया, एक तो प्राण है पुरुष, रई है प्रकृति, और पुरुष प्रकृति के आने से ही यह बहुधा प्रजा करिष्यति, ये मेरे इस संसार को, विस्तार को प्राप्त कराएंगे। देखो, इसको पूरा समझने के बाद फिर हम सब्जेक्टिव में आ जाएंगे, बिल्कुल सूक्ष्मता से इस सब का प्रयोजन क्या है।
स्वरयीम च प्राणम च इति एतो मे बहुधा प्रजा करिष्यते इति। उसके बाद ये पहले सिद्धांत बताया, ये सिद्धांत आपको भगवद गीता के 13वें अध्याय में भी मिलता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ संयोगात, जब क्षेत्र यानी प्रकृति, क्षेत्रज्ञ यानी पुरुष या क्षेत्री, क्षेत्रज्ञ क्षेत्री संयोगान, जब पुरुष प्रकृति साथ साथ रहते हैं तब जाकर के ये संसार का निर्माण होता है। केवल पुरुष संसार निर्माण नहीं कर सकता, केवल स्त्री संसार निर्माण नहीं कर सकती। जैसे केवल बिजली में प्रकाश नहीं है, केवल बल्ब में प्रकाश नहीं है, बिजली और बल्ब जब इकट्ठे आ जाती है तब लाइट निकलती है। इसी प्रकार से केवल परमात्मा में लाइफ नहीं है, केवल प्रकृति में लाइफ नहीं है। परमात्मा प्रकृति पुरुष प्रकृति जब इकट्ठी आ गई तब लाइफ प्रोड्यूस होती है। तो लाइफ इज ओनली मैनिफेस्टेशन, इट इज नॉट द रियलिटी, यू आर द रियलिटी हु इज बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ। नारायण, अंग्रेजी आ गई बीच में। तो ये जो दो है, रहीम च प्राणम च एतौ मे बहुधा प्रजा करिष्यति इति, यह पुरुष प्रकृति का भेद होने के पश्चात अब ये प्रजा निर्माण करेंगे, ऐसा परमात्मा प्रजापति ने सोचा। तो प्रजापति कौन हो गया? अभी परब्रह्म परमात्मा, उसका स्वातंत्र है, उसने क्यों इच्छा की? हु आर यू टू आस्क दिस क्वेश्चन? और फिर उसने यह पुरुष प्रकृति का जोड़ा निर्माण किया। फिर अब ये जो जोड़े कितने हैं देखो पूरी दुनिया में, ये पूरी सिद्धांत समझने की बात है। आदित्यो हवई प्राण रैरव चंद्रमा रैर्वा एतत् सर्वं जन्मूर्तम चामूर्तम च तस्मात् मूर्तिरेव रई। आदित्य सूर्य ही प्राण है और चंद्रमा रई है, प्रकृति है। देखो तो पहले दो सिद्धांत बताए, पुरुष प्रकृति निर्माण करिए। जगत में पुरुष प्रकृति कहाँ है? सूर्य जो है आदित्य वह पुरुष है, प्राण है, और चंद्रमा जो है प्रकृति है। अब इसका अर्थ क्या हो गया? सूर्य का प्रकाश स्वयं प्रकाशित है, सूर्य को किसी अन्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा का प्रकाश केवल सूर्य पर अवलंबित है। जैसे मिठास और चीनी या अग्नि उसकी दाहिका शक्ति, दाहिका शक्ति अग्नि से अन्य होकर के नहीं रह सकती, लेकिन अग्नि अपने दाहिका शक्ति को प्रकट करे या प्रकट ना करे वो उसकी मर्जी है। इसी प्रकार से सूर्य या आदित्य प्राण है, स्वतंत्र है, लेकिन रई चंद्रमा प्रकृति यह सूर्य की होने के कारण परावलंबी है। इस प्रकार से पहला जोड़ा निर्माण हो गया। और प्रकृति क्या है? कहते यन्मूर्तम चामूर्तम च, प्रकृति में अनेक प्रकार की विकृतियां है, और जहां विकृति है, जहां विकार है, वहां आकार है, आकृति है, जहां आकृति विकृति है वहां संस्कृति की आवश्यकता है। इस प्रकार से यह पुरुष प्रकृति का जोड़ा तैयार हो गया। अब ये जो प्रकृति है उसमें अनेक विकार आते रहते हैं, और इस प्रकृति में प्रकट होने वाला जो पुरुष है उसमें विकार आते नहीं, लेकिन विकार आते से लगते हैं। यह दूसरा जोड़ा पैदा हो गया। अब उसके पश्चात तीसरा जोड़ा आता है। अथ आदित्य उदयन यत् प्राची दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते यत् दक्षिणां यत् प्रतीतिं यत् उदीचिं यदधो ऊर्ध्वं यदन्तरादिशो तत् सर्व यत् सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते। और जब यह सूर्य का उदय होता है तब संपूर्ण जगत में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे सभी 10 दिशाओं में सूर्य सब जगह प्राण का संचार कर देता है, और वहां प्राण का संचार होने के पश्चात फिर वहां वहां के जो प्राणी है अपने प्रकृति में कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सुबह हो गई, उसके पश्चात स एष वैश्वानर विश्वरूप प्राण अग्नि उदयते तदेतदृचा अभ्युक्तम। अब यह जो प्राण है, यह जो पुरुष है, यही भोक्ता है, और प्रकृति जो है वो भोग्य है। इस प्रकार से जगत में भोक्ता भोग्य का भेद निर्माण हो गया। पहले पुरुष प्रकृति,
सूर्य चंद्रमा फिर भोग करने वाला पुरुष है, भोग्य प्रकृति है। इस प्रकार से यह विश्व रूप है, यही सब कुछ बना, यही सूर्य सब कुछ बना, यदि सूर्य नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए प्राण अग्नि ही उदयते, अग्नि माने भोग करने वाला या भोक्ता, वो प्रकट हो गया। इसके बारे में एक मंत्र आता है, विश्व रूपम हरिणम जात वेद संपरायणम ज्योतिरेकम तपंतम सहस्र रश्मि ही शतधा वर्तमान प्राण प्रजानाम उदयति एष सूर्यः। और ये जो सूर्य है ये सर्वरूप है, रश्मिवान है, ज्ञान संपन्न है, सबका आश्रय है और ज्योतिर्मय है, अद्वितीय है। और ऐसे प्रकाश युक्त सूर्य को जो सभी को विद्वानों ने आत्म रूप से पहचाना है, इसीलिए गायत्री की उपासना में सूर्य की उपासना होती है। तो जो व्यक्ति सूर्य की उपासना करते हैं वह व्यक्ति अपने पुरुष तत्व के साथ निगड़ित रह करके अपने में वह तेज प्रकट कर सकते हैं। इसीलिए गायत्री मंत्र जो है संपूर्ण विश्व के जितने मंत्र है, सभी भाषाओं के, सभी शास्त्रों के, सभी भगवानों के, उन सभी मंत्रों में गायत्री मंत्र बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही पावरफुल है। यदि कोई गायत्री मंत्र का ठीक से जप इत्यादि करे, अनुष्ठान करके, तो उसके शरीर की एक एक जो सेल है वो एकदम प्रज्वलित हो जाती है, जिसको ब्रह्म तेज कहते हैं। और ऐसा ही व्यक्ति फिर उपनिषद के अध्ययन का अधिकारी बनता है, बाकी पढ़ के भूल जाते हैं। तो यह जो सूर्य है इसको आत्म रूप से जानने के वाला, यह सभी प्रकार के प्राणियों में यह मैं प्रकट हो जाता है, जिसके लिए संपूर्ण जगत विश्व बना हुआ है। यहां तक बता दिया सूर्य का महत्व आध्यात्मिक साधना में। फिर दूसरा जोड़ा, अब तीसरा जोड़ा बताते हैं, सूर्य के आने के पश्चात फिर क्या होता है। संवत्सरो वै प्रजापति ही तस्यायने दक्षिणम चोत्तरम च तद्येह वै तदिष्टापूर्ते कृतमित्युपासते ते चांद्रमसैमेव लोकविजयन्ते तैव पुनरावर्तन्ते तस्मादेतरुषयः प्रजाकामा दक्षिणम प्रतिपद्यन्ते ह एष ह वै रैर्यपितृयाणः। अब ये सूर्य के कारण ही, चंद्रमा के कारण ही उत्तरायण, एक संवत्सर माने एक साल, साल निर्माण होता है। फिर ये साल के दो भाग हो गए, देखो दो दो का गणित समझ लेना। फिर साल के दो भाग हो गए, एक उत्तरायण एक दक्षिणायन। अभी हम लोग उत्तरायण में है कि दक्षिणायन में? उत्तरायण में। हमारे भीष्म पितामह, उनको जब शरशय्या पर पड़ा रहना, क्योंकि वो इच्छा मृत्यु वाले थे, जब चाहे मर जाए, हमको वो भी इच्छा पूरी होती रही जब चाहे मर जाए, घटिया है हम जो घट के साथ तादाद पे करके बैठते हैं, घटिया। तो मुझे एक ने पूछा था, स्वामी जी आप तो कहते हैं मृत्यु नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, परमात्मा ही, फिर भीष्माचार्य क्यों उस उत्तरायण की राह देख रहे? क्योंकि भीष्माचार्य ने अपने को जीव माना है। देखो भीष्माचार्य कौन थे? वसुलोक के निवासी थे। ये जो चतुर्दश भुवन में रहने वाले सभी के सभी जीव ही जीव है, उनको परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। चाहे आप अपने गुजरात में रहो, या लंदन में रहो, या अमेरिका में रहो, हर जगह झोपड़पट्टी है। सवाल यही है कि यहाँ गरीब जो आदमी होता है वो पैदल जाके दुखी होता है, वहां का गरीब आदमी साइकिल पे जाके दुखी होता है, कार में जाके दुखी, सब जगह होते हैं। इसीलिए यह जो जगत है ये दो में बांटा हुआ है, उत्तरायण दक्षिणायन। तो उत्तरायण में मरना वो इसलिए चाहते थे कि उनको वसुलोक में एंट्री केवल उत्तरायण में ही होती है। जैसे अपने यहाँ बद्रीनारायण को जाना हो तो अक्षय तृतीया के दिन ही एंट्री होती है, उसके पहले जाओ आपको एंट्री नहीं है वहां। तो ये जो जीव है उनको ही जाने आने का चक्कर है, जो परमात्मा में स्थित है उनको ना कहीं जाना है ना कहीं आना है। उपनिषद का यही मूल तात्पर्य है, मैं को मुक्त नहीं करना है, मैं से मुक्त होना है। ये मैं कुछ भी कहो, यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, इसको हमको डिसॉल्व करना है।
तो संवत्सरो वही प्रजापति तस्याजने दक्षिणम उत्तरम च। यह संवत्सर जो है यह प्रजापति है, इस प्रजापति के दो बच्चे या दो भाग हो गए, उत्तरायण दक्षिणायन। और तदेह तदिष्टापूर्ते कृतमिति उपासते चांद्रमसमेव लोकभिजयन्ते। और इसमें जो इष्टापूर्ते कृतम इति उपासते, ये जो लोग हैं केवल अच्छे कर्म करने चाहिए और पाप नहीं करना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए, अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करना चाहिए, इस प्रकार से जो कर्म में ही लगे हैं वो चंद्रमा के लोक में प्रवेश करते हैं। और उसके बाद ते एव तथा पुनरावर्तन्ते, लेकिन वहां जाने के बाद फिर वो इस दुनिया में वापस आ जाते हैं, इसी को कहते हैं पितृलोक। देखो पितृलोक माने जैसा ये मृत्यु लोग है वैसा पितृलोक है, वहां के लोग जो है वो देखते हैं अपने बच्चों को क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और यदि हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो वो जो तर्पण करते हैं पितृ तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण, उस तर्पण के द्वारा उनको पिंड दान करते हैं, उनको उष्मपा कहते हैं, वो केवल गरम गरम ही खाना खाते हैं, फ्रिज में का निकला हुआ नहीं खाते। इसीलिए कि जब पिंड दान करते हैं तो ऐसे नहीं कल का चावल ले आना है यार उसी को दे देना है, ऐसे नहीं होता। तो हम उनको पिंडदान या उष्मपा को गरम गरम खाना दे के उनकी भूख मिटाते हैं, फिर वो अपने शक्ति से हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। इस प्रकार से ये जो लोग हैं पितृ लोक में जाकर के फिर वापस आ जाते हैं। ध्यान से सुनना, एक जगह की बात है, कल्पना नहीं, मैं हमेशा झूठ नहीं बोलता। एक अम्मा थी, मध्य प्रदेश की बात है, तो उनका पोता हुआ और वो पोता इतना वो अपने दादी माँ से चिपका रहता था, बच्चा हुआ तब से अपनी माँ के पास जाए तो रोएगा, दादी के पास आएगा हाँ फिर खुश है वो, तो दादी को खुशी होगी, देखो मेरा पोता मेरे से ज्यादा प्यार अपनी माँ से। धीरे धीरे 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, दादी को छोड़ने को ही तैयार। यहां तक के दादी ने कौन सी साड़ी पहननी है, दादी ने किससे बात करनी, किससे नहीं करनी है, मारे वो दादी परेशान हो गई इस पोते से। वो गई किसी पंडित जी के पास, उसकी पत्रिका पत्रिका निकाली, सब कुछ किया, देखा, उन्होंने कहा कि देखिए ये जो जीव है ये आपका पति है, बोले रियली हाँ। फिर वो चिंतन करने लगी, रियली इसकी जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है, इसका जो स्वभाव है एग्जैक्टली उनके ही जैसा है, क्योंकि वो अपने घर में अपने पत्नी से या बच्चों से बहुत ही आसक्त रह गए होंगे, तो अगला जन्म उसी घर में होगा। देखो महाराज, इसलिए जगत में किसी से आसक्त मत होना, नहीं तो फिर यहां पैदा हो जाओगे गुजरात में, निकल जाओ इस चक्कर में मत पड़ो। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तत्तमे वेदि कौन्तेय। भगवान कहते अपना जो आखिरी विचार होता है उस आखिरी विचार के अनुसार हमारी ब्लूप्रिंट बनती है अगले जन्म की। मरते समय मेरे मरने के बाद मेरे पत्नी का क्या होगा, मेरे पत्नी का क्या होगा, फिर उसी घर में पोते पैदा हो जाओ और पत्नी को देखते रहो टुकु टुकु। देखो महाराज, ज्यादा फंसना मत किसी में, अपना आप ड्यूटी पूरी करो, हट जाओ, बहुत आनंद की बात है। तो ते पुनरावर्ते वर्तन्ते तस्मादेत ऋषया प्रजा कामा दक्षिणम प्रतिपद्यन्ते, एष वै रही ये पितृयाणः। ये लोग प्रकृति में ही फंसे रहते हैं, यही धर्म अधर्म में फंसे रहते हैं, यही जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं। अच्छा, उस ये हो गया पितृयाण या हो गया चंद्रमस लोक में गए। फिर अथ उत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानम अन्विष्यमाना आदित्यम अभिजयन्ते एतद्वै प्राणानाम आयतनम एतम ऋतम अभयम एतत् परम परायणम एतस्मान्न पुनरावर्तन्ते इत्येष निरोधस्तदेश श्लोका। अब ये हो गए गृहस्थों का जीवन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, क्योंकि इसमें फंसे हैं।
लेकिन सभी गृहस्थ ऐसे नहीं होते, कोई कोई गृहस्थ बड़े श्रेष्ठ होते अध्यात्म में चलने वाले, उदाहरण आप सब। खुश हो गए कम से कम एक बार तो अच्छा कहा। देखो कहते अथ उत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्या आत्मानम अन्विष्य। आइए कौन है आत्मानम अन्विष्य, अब ये जानना चाहते हैं कि हम कौन है, काहे के लिए यहां आए। देखो जीवन का कोई लक्ष्य है, कोई प्रयोजन है कि किसी ने शरीर पैदा किया हम उसमें रहने लग गए, और शरीर बढ़ रहा है हमने थोड़ा हम भी बढ़ रहे हैं, शरीर की शादी होगी मेरी शादी हो गई, शरीर मर गया मैं मर गया, अरे यही कब तक करते रहेंगे यार, कुछ है कि नहीं जीवन में। और देखो इवन बीड़ी सिगरेट पीने वाले भी उससे तंग आ जाते हैं, कितने एडिक्ट होते। दिल्ली की एक बात है, हमारे एक मित्र रिटायर्ड है ब्रिगेडियर, पिछले बार जब मैं पहुंचा तो वो रहते हैं नोएडा में, मुझे मिलने एयरपोर्ट पर आए, स्वामी जी मैं आपके यहाँ तो नहीं आ पाऊंगा, आप भी नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैं आपको मिलने के लिए यहाँ है। बहुत बढ़िया, बोले स्वामी जी खुशखबरी। हमने कहा आप बूढ़ा हो अब क्या खुशखबरी दे रहे, शादी कर रहे क्या फिर से? बोले नहीं स्वामी जी खुशखबरी ये है मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। देखो जिसने जिंदगी में 40-50 साल तक सिगरेट पी है उसको सिगरेट छोड़ने की जितनी खुशी होती है उतनी सिगरेट पीने की नहीं होती है। त्यागे नहीं की अमृतत्व मानस, देखो माने आदमी ऊब जाता है। इसी प्रकार से जो इस जगत में रह करके वही तमाकू वही चूना रगड़े जा रहे खा जा रहे, अरे कब तक यार, कुछ तो दूसरा है जीवन में, यही चल रहा है हमेशा। देखो तो ऐसे जो है तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया, फिर उन्होंने जीवन में तपस्या शुरू कर दी। तपस्या क्या है, फिर आपने वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया। वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना माने पति पत्नी की सेवा करना प्रारंभ कर दे, पत्नी पति की सेवा न करे। स्वामी जी आप कुछ गलती तो नहीं की बोल रहे? गृहस्थ में जब होते हैं तो पत्नी हमेशा पति की सेवा करती है, और एक बार आप वानप्रस्थ में गए तो ये जो परावलंबन है, हर चीज के लिए पत्नी चाहिए, हर चीज के लिए मैं जा रहा हूं बाहर ये पैंट ठीक है क्या, नहीं बिना पैंट के चले जाओ, हर चीज में पूछेंगे जो ये मैं ये नेकटा पहनू, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं लंगोटी पहन लेना। इतना परावलंबन हो जाता है, दे कांट डिसाइड इवन वन सिंपल थिंग, परावलंबन बहुत हो जाता है। इसीलिए वानप्रस्थ आश्रम माने अब किसी पर कोई भी परावलंबन नहीं, यही तपस्या है। देखो ये पति पत्नियों में स्मार्ट होगी पत्नी तो पहली चली जाती है, तो ये जो पति तपावन सीताराम बचे रहते हैं ना महा दुखी होते हैं, दे कांट कंडक्ट देमसेल्स, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, स्वयं दुखी रहेंगे, सबको दुखी करेंगे, और यदि पति चला गया पत्नी बची है तो वो अपने को भी संभाल लेती है पूरे संसार को संभाल लेती है, क्योंकि जैसे जैसे स्त्री उम्र में बढ़ती है उसका आत्मविश्वास आत्मबल शक्ति बढ़ती है, जैसे पुरुष बढ़ता है सब खत्म होते होते आखिर में एकदम बिला यू नो पेंदे का लोटा यहां गए वहां गए, इस प्रकार से हो जाते हैं। तो इन्होंने ये स्थिति आने के पहले ही वानप्रस्थ आश्रम में तपस्या शुरू कर दी, अब किसी से कोई सेवा नहीं लेनी, ब्रह्मचर्येण अब केवल तत्व चिंतन में लगे हुए हैं। अब बहुत हो गया दुनियादारी की बातें, तत्व चिंतन में लगे हुए और श्रद्धया, और ये सब श्रद्धा से युक्त होकर के विद्या आत्मानम अन्विष्य, अब वो अपने स्वरूप को जानना चाहते हैं। ऐसे भी गृहस्थ होते तो ते आदित्यम अभिजयंते, अब वो सूर्य मार्ग से जा रहे हैं, अब वो सूर्य को जीत रहे हैं। देखो महाराज माने हमने अपने जीवन में किसको महात्म्य दिया है, प्रकृति को दिया है कि पुरुष को दिया है? हमने अपने जीवन में आधी भौतिक क्षेत्र को महात्म्य दिया है, आधी दैविक को दिया है, या अध्यात्म को दिया है? तो जिसने आधि भौतिक और आधि दैविक क्षेत्र को प्राधान्य दिया है वो इस संसार में भटकते रहेंगे।
और जिसने अध्यात्म को प्राधान्य दिया है वे आदित्यम अभिजयन्ते एतद्वै प्राणानाम आयतनम। और यही सूर्य यही आत्मा प्राणानाम सभी का एक ही आत्मा है। ध्यान से सुनना, मैं यदि नहीं तो ये दुनिया नहीं, मई एव सकलम जातम, सब कुछ मैं में ही प्रकट होता है, मई सर्वम प्रतिष्ठितम, सब मैं में ही रहता है, मई सर्वम लयम याति, सब मैं में ही लय हो जाता है। लेकिन इस मैं को भी हमने कभी जाना नहीं। देखो हम अंदर में एक थोड़ी है, मैं पति पत्नी भाई बहन सास बहू अमीर गरीब पढ़ा लिखा अनपढ़ ज्यादा ही पढ़ा लिखा, कितना अंदर में क्राउड हो गया है। और जितना ज्यादा क्राउड होगा उतना ज्यादा गड़बड़ होगी वहां, कड़का कौ 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 कौ। हम जब बैठे अंदर में कितनी तूफान चलते रहता है, कारण क्या है, वहां क्राउड है। तो कौन है ये मैं? जब हम कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मैं का अर्थ हो गया शरीर, जब मैं कहता हूं मैं भूखा हूं कहां गया माइक वाला, जब मैं कहता है कि मैं भूखा हूं तो मैं का अर्थ हो गया प्राणमय कोश, जब मैं कहता हूं कि मैं दुखी हूं तो मैं का अर्थ हो गया मनोमय कोश, जब मैं कहता हूं कि आई एम ए सेल्फ मेड मैन विज्ञानमय कोश, मैं कहता हूं आई एम तो बाबा हैप्पी गो लकी तो आनंदमय कोश, कितने हैं अंदर में, एक थोड़ी है। इसीलिए कहते हैं कि एतद् वही प्राणानाम आयतनम, यही जो शुद्ध मय है इसी में सभी के सभी प्राण संपूर्ण सृष्टि बसी हुई है। ध्यान से सुनना, आदमी है तब पति है, आदमी है तब पुत्र है, आदमी है तब पिता है, आदमी है तब भाई है। यदि आदमी मर गया तो चारों के चारों कहाँ गए, लेकिन पिता मर गए तो भी आदमी रहेगा, पत्नी मर गई तो भी आदमी रहेगा, पुत्र मरा तो भी आदमी रहेगा। आदमी निरपेक्ष सत्ता है और बाकी के जो है वो सापेक्षिक है, वो सत्य नहीं है। देखो संतो, इसीलिए सबका आयतन सबका स्थान यही मैं है। तो एतद् वही प्राणानाम आयतनम, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल बात है। विषयों की स्थिति इंद्रियों में होती है, यदि विषय नहीं है इंद्रियों की हानि नहीं, लेकिन यदि इंद्रिय नहीं है तो विषयों की सत्ता नहीं। फिर यदि इंद्रिय है या नहीं मन को कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि मन नहीं है तो इंद्रिय नहीं है, तो मन इंद्रिय निरपेक्ष है। और आगे चले जाओ, चैतन्य ही देह में मन के रूप में प्रकट हो रहा है, चाहे मन व्यक्त हो या अव्यक्त हो, व्यक्त है तब जागृत स्वप्न, अव्यक्त है तब समाधि सुषुप्ति, इसका चैतन्य पर कोई प्रभाव नहीं। यह जो निरपेक्ष सत्ता है यही सबका आयतन यही सबका मकान है, इसी में सब कुछ है। देखो प्रश्न क्या पूछा था, ये दुनिया कहां से पैदा हो गई, उत्तर क्या मिला? देखो संतो, इसीलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में जो विचारों की प्रक्रिया है ये बाहर भटकाने की नहीं है, अपने स्वरूप में वापस आना है। इसका और सूक्ष्म भाग आपके नींद होने के बाद बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।